हेलो भाई, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल कैलकुलस स्कैम में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं सर्कुलर इंटरपोलेशंस को आप कैसे मशीन पर रन करा सकते हो, तो उसके बारे में आज वीडियो होगा दोस्तों। तो जो हमने इससे जो पहले मैंने आपको पूरे फैक्ट बताए थे कि कैसे आप जो G02 है और G03 की कमांड है उसका आप यूज़ कर सकते हो, साथ के साथ कैसे आप उसको R के साथ आप लगा सकते हो, साथ के साथ आपने जो तीन फैक्ट किए थे उसके अंदर कि आप माइनस के साथ यूज़ कर सकते हो, IJ का आप यूज़ कर सकते हो, तो वही चीज़ें मैं आज आपको प्रैक्टिकली कराने वाला हूँ सिमुलेशंस के ऊपर, मशीन्स के ऊपर एक तरह से कह सकते हो, क्योंकि वो सेम मशीन पे भी एज इट इज ऐसे ही काम करेगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, उससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी डाउट होगा तो वो आज आपका दूर हो जाएगा। हाँ, इससे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो पहले मेरा, तो पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, फिर हम इस वीडियो को देखिएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मैंने जो प्रोग्राम है वो लगभग टाइप कर लिया है। अब पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ कि आज हम कैसे G02 और जो G03 कोड है उसका हम यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जैसे मेरे पास ये एक मेरा फोटो है, मतलब ये आपके पास क्या रहेगा, आपका प्रोग्राम रहेगा, इस प्रोग्राम वो हमें बनाना है, यहाँ पर हमें G02 और 3 का यूज़ करना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जैसे साइड में मैंने यहाँ पर प्रोग्राम लिखा हुआ है, सबसे पहले हमने क्या किया, एक सेफ्टी लाइन लगाई, जैसे जिसमें हमने क्या किया, मैट्रिक यूनिट सिस्टम का यूज़ किया, टूल कंपनसेशन को कैंसिल किया G40 से, फिर हमने टूल स्टेशन का नाम दिया जहाँ पर हमारा टूल रखा हुआ है, M06 से हमने क्या किया स्पिंडल को टूल को चेंज करवाया, M03 से स्पिंडल को स्टार्ट किया, फिर उस पॉइंट पर लेके आ गए हम दोस्तों कटिंग करने के लिए जहाँ से हमें अपने कटिंग करनी है। तो वो पॉइंट कहाँ था दोस्तों, ये पॉइंट है देखो आपके पास, जो हमारे पास है x में 0 होगा, क्योंकि इसमें जो मैंने ओरिजिन पॉइंट जो लिया है वो ये पॉइंट है दोस्तों, ये आपके पास क्या है, ओरिजिन पॉइंट है, और इसी से यार सारी वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है, ठीक है। तो यहां पर x में 0 है, इस पॉइंट की बात करें क्योंकि कटिंग तो मुझे यहां से स्टार्ट करनी है, आपका जो पाथ होगा वो इस तरह से जाने वाला है दोस्तों, ठीक है, इस तरह से कटिंग करेगा। तो सबसे पहले जो मैंने यहां पर लिया x में 0, y में आपके पास यहां पर 20 था तो 20, और z को हमने फिलहाल हवा पे रखा क्योंकि वो G01 रैपिड ट्रैवल में आ रहा है तो काफी तेज होगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, G01 का यूज किया इसी पॉइंट पर, और Z-1 के डेथ मार्क लेकर चलेगा और फीड हमने यहां पर दे दी। उसके बाद हम पॉइंट पर ले गए x में 20, जो y में 20 था, यहां पर आ गए। अब दोस्तों यहां पर देखो, यहां पर जो मैंने कोड लगाया है वो G03 लगाया है। अब जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप देखो G02 का जो सर्कुलर इंटरपोलेशंस है आप 2 और 3 दोनों से लगा सकते हो। अब देखो यहां पर आप देखोगे कि जो मेरा टूल का पाथ है ना वो इस तरह से जा रहा है, यानी यहां से पहले इस तरह से घूम के इस पॉइंट पर आएगा वो, इस पॉइंट पर, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि ये जो मेरा पाथ है घड़ी की उल्टी दिशा में जा रहा है, तो हमने किया था कि उसको काउंटर क्लॉकवाइज कोड का यूज होगा, तो यहां पर आपका जो यूज होगा G03 कोड यूज होने वाला है। अगर वही चीज मैं इसको यहां से स्टार्टिंग देता, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होता काट, और टूल मेरा ऐसे आता आपके पाथ को काटता हुआ, ठीक है, तो तब आपके पास जो कोड लगता है यहाँ पर G02 का यूज होता है, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन आपकी दूर होगी कि G02 और 3 कहाँ यूज करना है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो एक्स वाई पॉइंट होते हैं उसके साथ आपके एंड पॉइंट होंगे आर के, की कहाँ पर आपको आर को एंड करवाना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये मेरे पास स्टार्ट पॉइंट है, क्योंकि आर का जो स्टार्ट होगी मेरे पास यहाँ से आर्क बनना स्टार्ट हुई है, और यहाँ से चलती हुई कहाँ पर खत्म होगी, इस पॉइंट पर एंड होगी दोस्तों, वो जाके मेरे पास इस पॉइंट पर एंड होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यूज है, वैल्यू वो कितनी है, एक्स में 20 है क्योंकि एक्स का डिस्टेंस सेम है यहाँ से यहाँ तक, और वाई का जो डिस्टेंस आप यहाँ पर देखोगे ये मेरे पास 80 का डिस्टेंस है, तो वहाँ हमने प्रोवाइड किया है, और साथ के साथ मैंने यहाँ पर देखो क्या टाइप किया है, रेडियस 40 टाइप की है, ठीक है। किंतु रेडियस 40 तो दोस्तों मैंने टाइप कर दी, किंतु यहाँ पर अभी आपको जो वो एंगल का जो जो मैंने माइनस का कंसेप्ट बताया था वो यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अब नॉर्मली तो हम रेडियस 40 ही यूज करते हैं, किंतु वो तब उस केस में करते हैं जहाँ पर आपका जो एंगल है वो 180 से कम हो, ठीक है। किंतु यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एंगल हमारे पास 180 से ज्यादा, वो मैं भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद पहले हम प्रोग्राम कर लेते हैं, उसके बाद हमने क्या किया G01 से अपने ये लगाने के बाद यहाँ पर आ गए, G01 कोड का भी लाइन लगेगी, तो किस पॉइंट पर जा रहा है, एक्स में 0 वाई में 80, यहाँ पर आ गए। और उसके बाद हमने क्या किया, इसको अगर मैं नीचे की तरफ ले आता हूँ, टूल को शायद हमने ऊपर उठाया, ठीक है। यहाँ पर देखो G0 से हमने जेड 100 पर ले गए, M05 से स्पिंडल को स्ट्रोक किया, और M30 से प्रोग्राम को एंड कर दिया, ठीक है दोस्तों। ये तो प्रोग्राम था। अब देखो इसमें मैं आपको पूरे कंसेप्ट बताता हूँ कि जब इसको मैं ऑटो करता हूँ ना, ऑटो करने के बाद देखो यहाँ पर आप देखोगे तो आपका जो पाथ है वो इस तरह से बन रहा है, जो कि हमारी जो ड्राइंग्स है उससे बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये देखो,
ये मेरे पास पाथ, ऐसा मेरे पास पाथ बना है, और जबकि मुझे चाहिए था इस तरह से, हमारे पास आर्क चाहिए थी, ठीक है। तो वो जो पहला जो डाउट था कि आप जो रेडियस 80 आपने यहाँ पर यूज की, सॉरी जो रेडियस 40 आपने यहाँ पर लगाई है, क्योंकि रेडियस हमारे पास 40 थी, ठीक है। तो उसने क्या किया, यहाँ अब इसका एंगल देखो आप, अगर मैं इस पॉइंट का एंगल देखता हूँ तो यहाँ से लगभग कितना एंगल, मतलब 180 से भी ज़्यादा डिग्री के एंगल पर जा रहा है। तो यहाँ पर हम जो यूज करें, मान लो इसकी मैं बात करता हूँ, जैसे ये मेरे पास सर्कल, अब इसका सेंटर पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है ना, यहाँ पर हो सकता है, और फिर उसने उस सर्कल पॉइंट के थ्रू हमने वो रेडियस 40 के लगा दी, उसने तो अपने हिसाब से रेडियस 40 लगा दिया है, किंतु सेंटर पॉइंट यहां पर नहीं है, उससे आगे नहीं है, तो उसको डिफाइन करने के लिए हमने माइनस की वैल्यू दी, यानी एंगल की वैल्यू, हमें पता था कि जो इसका एंगल है, क्योंकि आप यहां पर देख पा रहे हो, अगर मैं यहां से एक लाइन लगाता हूं तो लगभग जो मेरे पास, मान लो मैं इसको 0 मान के चलता हूं और यहां से एक स्ट्रेट लाइन लगा देता हूं, ठीक है, जो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी, तो आपके पास यहां से यहां तक 180 डिग्री तो यहीं पर आ गया, और उससे आगे आपके पास आर्क जा रही है, तो हमें क्या करना था, वो माइनस में यूज करनी थी, ठीक है। तो वो मैं आपको करके भी दिखा देता हूं। तो आप क्या करोगे, सिंपल यहां पर अपने प्रोग्राम में आओगे यहां पर, और यहां पर हम टाइप करेंगे -40। देखो चेंज भी मैं आपको साथ के साथ करना दिखा रहा हूं, आप जिस पे भी आपको चेंज करना है, यहां पर आओ, रेडियस 40 पर आओ, और यहां पर आप टाइप कर दो आर माइनस के 40, सॉरी 40, और इसको अल्टर कर देना है दोस्तों। अल्टर करोगे, अल्टर के बाद जैसे ही मैं ऑटो करता हूं, तो ये देखो आपकी जो आर्क है एग्जैक्ट वैसे ही बनी है जैसे हमने वहां पर बनाई थी, जैसे आपके प्रोग्राम में यहाँ पर दिखा रहा था, ये देखो दोस्तों। तो यानी यहाँ पर वो जो आर माइनस का जो कंसेप्ट था, वो यहाँ पर आपका क्लियर हो जाता है कि आपको जो भी है आर 40 का जो यूज है वो कैसे करना है, और आर माइनस 40 आपको कहाँ पर लगानी है। अदरवाइज देखो, अगर ये चीज, अगर मेरे पास ये पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो गए, इस पॉइंट पर खत्म होता, यहाँ पर खत्म होता, तो आप नॉर्मली आर 40 यहाँ पर लगाते, क्योंकि जो आपका एंगल है वो 180 से कम था, तो वो डायरेक्ट इसको ठीक काटता, ठीक है, उसके बाद दोबारा आप इसको लगा सकते हैं। किंतु आपने डायरेक्ट पॉइंट दिया है, तो फिर उसको सेंटर बनाने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, आपका जो माइनस में हम उसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो था आर माइनस का, हम यहाँ पर यूज कहाँ पर करते हैं, अदरवाइज आपको सिंपल आर 40 से आपके पास चलेगा, ठीक है। अब उसके में इसको मैं दोबारा आर 40 कर लेता हूँ, इसको हम अल्टर करते हैं, और यहाँ से इसको, अब देखो इसमें एक चीज और है, मैंने आपको आई और जे का कंसेप्ट भी समझाया था कि आई और जे के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, जो हमारे पास ये पाथ है इसको बना सकते हो, ठीक है। अब यही सेम बात मैं आपको आई और जे के थ्रू बना के दिखाता हूं। देखो ये मेरे पास पॉइंट था, अब इसमें ना एक चीज आपको ध्यान रखने की है, जो एक्स और वाई की वैल्यू है वो तो आपकी चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो तो आपके पास क्या है, एंड पॉइंट है कि कहां पर आपकी जो आर्क है वो खत्म होने वाली है, ठीक है। अब मान लो आर, मैंने बताया था कि आप रेडियस की जगह आई जे भी आप लगा सकते हो, तो आई और जे कैसे यूज होता है, जैसे ये मेरे पास पॉइंट था, ये मेरा स्टार्ट पॉइंट था और ये मेरा एंड पॉइंट है, तो मैंने बताया था कि आई की वैल्यू क्या होती है, यहां पर आप आई की वैल्यू, जो आई की वैल्यू वह वैल्यू होगी कि जहां पर आप खड़े हो, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट से जो आपकी आर्क है उसके सेंटर का डिस्टेंस होता है एक्स की वैल्यू में, एक्स की तरफ, ठीक है। तो यानी ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, ये इसका सेंटर है, जो मेरी आर्क है उसका सेंटर ये है, तो यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस जो कितना होगा आपके पास, 50 में से हम 20 माइनस कर देंगे, 30 आएगा, ठीक है। तो यानी ये वैल्यू मेरे पास 30 की होगी, तो यानी आई की तो वैल्यू यहाँ पर हमें रखनी है 30 रखनी है। इसी तरह वाई का डिस्टेंस क्या होगा, वाई का डिस्टेंस होगा आपके पास वही कि स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है, आपकी जो आर्क बन रही है उसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस वाई के डायरेक्शन में, यानी ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस वो कितना होगा, ये 50 में से ये भी 20 आप माइनस कर दोगे तो वो भी आपके पास 30 आएगा, यानी आई और जे यहाँ पर दोनों वैल्यू जो होगी वो 30-30 होगी। अब वही देखो, वही अगर इसका सेंटर पॉइंट इस पॉइंट से इधर की तरफ बनता तो वो माइनस में चलता, अभी इससे आगे की तरफ जा रहा है तो प्लस में वैल्यू आई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो वैल्यू टाइप करेंगे, आई भी 30 हो जाएगा और वाई भी हमारे पास कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम टाइप करते हैं आई 30, ठीक है, और इसको मैंने अल्टर कर दिया, साथ के साथ यहाँ पर जे हमने टाइप किया वो भी आपके पास था 30, और इसको भी हमने अल्टर कर दिया, और जैसे मैं इसको ऑटो करता हूँ तो सॉरी अभी यहाँ पर जो है एक वैल्यू शायद गलत आ रही है, G03, ओके। यहाँ पर हमने क्या किया ना, वाई की जो वैल्यू थी ना, आई और जे तो लगाना था, साथ में वाई की वैल्यू में हमने अल्टर कर दिया उसको, तो यहाँ पर हम पहले वाई की वैल्यू दे देते हैं, वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 80 थी आई थिंक, हाँ वाई 80 था हमारे पास, तो यहाँ पर हम वाई 80 को मैं टाइप कर लेता हूँ और एंटर कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब मैं दोबारा ऑटो करता हूँ, तो ये देखो दोस्तों वो ठीक बना है, वो हमने शायद मिस्टेक कर दिया था, आई की जो वैल्यू थी वो हमने वाई के अंदर ही ले ली थी, इसलिए वो थोड़ा गलत हो गया था, ठीक है। तो ये देखो इस तरह से आपके पास सेम टू सेम आपके पास मैंने तीनों आपको तरीके बताए हैं कि आप डायरेक्ट रेडियस का यूज़ करोगे तो कैसे बनेगा, ठीक है, और उसके बाद आप आई और जे लगाओगे तो किस तरह से आपको क्या क्या वैल्यू, कौन सी वैल्यू होती है, आई की वैल्यू कौन सी होगी, जे की वैल्यू कौन सी होगी, और साथ में -40 आपको कहाँ पर यूज़ करना है, तो ये
चीज़ें मैंने आपको बताई है। अभी इसको हम रन करा के भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप रिसेट करोगे, रिसेट करने के बाद सबसे पहले तो वर्क पीस में जाओ, स्ट्रोक साइज में जाके ये माइनस चास ही रहेगा, 100x100 का था वो, हम बात डिस्कस कर चुके हैं सारी चीज़ें की ऑफसेट आपको कैसे लेना है। तो जो भी फ्रेंड नया है आज पहली बार वीडियो को देख रहा है तो एक बार पिछली वीडियो को जरूर देखना और फिर इसमें देखना, क्योंकि उसमें मैंने ये सारे कंसेप्ट आपको बताए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ओके किया, ओके करने के बाद हम क्या करेंगे, हम टूल को लगाएंगे। टूल के लिए हम टूल मैनेजमेंट में जाएंगे, यहाँ से मैं कोई भी एक टूल उठा लेता हूँ, ओके करता हूँ, यहाँ से ये मैंने टूल को लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैं आपको दिखाता हूँ जो पाथ बनेगा आपका इस तरह से बनने वाला है, देखो दोस्तों, ठीक है। इसमें एक चीज और ध्यान रखने की है कि जो भी आपके पास, देखो मैं आपको पहले इसको रन करा के दिखा देता हूँ। यहाँ से हमने किया, एक बार इसको हवा में उठा देंगे, जेड एक्स और वाई, ठीक है, ये तीनों जो है अपनी होम पोजिशन पर चले गए हैं। और उसके बाद यहाँ से और इसको डायरेक्ट ही स्टार्ट कर देते हैं। तो यार जैसे आप डायरेक्ट स्टार्ट करोगे चेंज करेगा, यहाँ पर आया और इस तरह से उसने कटिंग करना स्टार्ट कर दिया और वापस वो अपने पोजीशन पर चला गया, ठीक है। तो ये देखो इसने ये चीज़ काट दी। अब इसमें जो चीज़ मैं दोस्तों आपको बताना चाह रहा था कि वो क्या है, यहाँ से हम पहले कोऑर्डिनेट्स को इसको हटा लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स हटा लेते हैं, ये कोऑर्डिनेट हट गया हमारे पास, जैसे ये था। अब इसमें एक चीज देखने की है कि जो भी आप यहाँ पर पाथ बना रहे हो ना, ये देखो ये जो हम पाथ बना रहे हैं यहाँ पर, ये जो पाथ है ना, ये आपका टूल बिल्कुल ऊपर से, मतलब इस पाथ के बिल्कुल ऊपर चला है यहाँ पर, यानी ये जो मेरे पास लाइन थी। अब देखो मैंने 10 का टूल लिया था, यानी 5 उसने यहाँ काटा और 5 ही उसने यहाँ काटा। अब वही चीज़ मैं आपको समझा रहा था कि अगर आपको केवल इसके अंदर अंदर कोर काटना है, यानी आपको जो टूल है वो इसके अंदर अंदर चलाना है, यहाँ पर चलाना है, इसके अंदर अंदर चलाना था, तो आप यहाँ पर कंपनसेशन का यूज कर सकते थे। यानी यहाँ पर जो आपके पास कंपनसेशन होती वो लेफ्ट की कंपनसेशन, क्योंकि यहाँ से यहाँ चल रहे हो तो वो लेफ्ट की कंपनसेशन चलेगी दोस्तों, लेफ्ट की साइड में, यानी G41 का यूज कर सकते थे। ये हम कर चुके हैं कि कंपनसेशन का आपको यूज कैसे करना है, तो वो भी वीडियो अगर जिस भी फ्रेंड ने नहीं देखा है तो वो भी एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और साथ में मैं एंड स्क्रीन पर उसका वो भी वीडियो दे दूंगा, तो आप वहां से उसको देख सकते हो, ठीक है, कि कंपनसेशन आप कैसे यूज कर सकते हो। तो यहां पर देखो ये चीज मैं यहां पर आ गया, मान लो टूल आपका ऐसे चला 5 अंदर 5 बाहर, तो आपका जो टूल बेसिकली चल रहा है इस पाथ के ऊपर अभी चला है, ठीक है। और वही चीज अगर आपको वो बाहर की तरफ काटना होता, यानी यहां पर आपको काटना होता कि अंदर अंदर मुझे इतने ही कैविटी का इतने डिस्टेंस पर चाहिए, यानी ये पोर्शन जो पूरा खाली करना होता आपको, तब फिर हम क्या करते हैं कंपनसेशन का, अगर दोबारा यूज करते फिर हम राइट की जो कंपोजिशन है वो यहाँ पर आप लगा सकते थे, तो वहां पर हम इनका यूज कर सकते थे दोस्तों, ठीक है। तो उस तरह से आप इसको काट सकते हो। फिलहाल जो अभी जो चल रहे हैं अभी, क्योंकि अभी जो हम केवल पाथ के ऊपर ऊपर कर रहे हैं, ये पाथ के ऊपर ऊपर चला रहे हैं, इसमें अभी मैं कंपोजिशन पे ध्यान नहीं दे रहा हूं, क्यों, क्योंकि फिलहाल है आपको ये कोड के बारे में नॉलेज हो जाए, इसके बारे में पता हो जाए कि कौन कौन से कोड है, कैसे कैसे काम कर रहे हैं, फिर आप जैसे जैसे इस पर काम करोगे आपको वो नॉलेज आपको ऑटोमेटिक आ जाएगी, कहां पर आपको कंपोजिशन देना है, कहां पर नहीं देना है। मेन मोटिव जो मेरा है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर उसके हिसाब से फिर आप कैलकुलेशंस वहां पर आप लगा सको, ठीक है। तो ये था, उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी कि आज हमने कि G02 में आई और जे का यूज़ कैसे करते हैं, आर हम कहाँ लगाते हैं, -40 का हम यूज़ कहाँ पर करना है, नहीं करना है, ठीक है। अगर फिर भी डाउट लगता है तो एक बार वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लीजिएगा, मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट रहेगा। और फिर आप अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और साथ के साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो दोस्तों। हाँ, इसका एंड स्क्रीन पर मैं आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएगा लेफ्ट में, तो कंपनसेशन का है तो कंपनसेशन देखना चाहो तो कंपनसेशन का वीडियो आपको वहां पर मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।